मरण के किनारे पहुंची हुई थी। उस वक्त डॉक्टर साहब के कोल आई आ, इन्होंने गलबात डॉक्टर साहब ने की थी। जो मैं कहे तेरा जे तू अपने गरीब बन जा किदान को पावर नहीं खर्चे की तो असं तेरा खर्चा कोई नहीं लवेंगे, तेरा इलाज मुफ्त करा। चलो जिदन के असं आए हैं कोई एक टका नहीं लगा, पैसा नहीं लगा कोई, तो साडा मतलब बड़ी ढंग ना उन्होंने इलाज किया वा, प्रैशन हो चुका वा, तो सुख शांति है सानू भी आ। काफ़ी सालों तो काफ़ी हस्पतालों जिवें जाते रहे तो इन्हू सही समय से डॉक्टर सही राय देंदे रहे भी तू अपना ऑपरेशन करवा ला, जे तू इनू डिले करेगी तो कल तो कोई गलत बीमारी इतों शुरू हो सकती है। पर क्योंकि वह फाइनैशियली इन्नी स्ट्रोंग नहीं सी, इन्नी उहदा मतलब पे करन दी कपैसिटी नहीं सी जिहड़ा वह इलाज करा सके, इतों तक कि वह सरकारी हस्पताल दे विच जा के सरकारी हस्पताल, चलो सरकार बहुत सहूलत दे रही है, सो कुछ फिर भी कुछ चीज़ों के टैसट आ जिहड़े आसे पासे तो करवाने पैंदे जिहड़े उन्हां कंसर्न हॉस्पिटल दे विच नहीं हुंदे, ये बेचारी वह भी करवाउण दे योग नहीं। ये नाल कुछ मोहतपुर बंदे नूं लैके आए हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, इहदा ऑपरेशन आ तुसीं देख लो, इहनू कुछ संस्था नूं असीं कह दिंदे हां, कोई संस्था वालों करा दिंदे हां जां कोई होर, तो फिर मैनूं लग्या भी संस्था वाले जिहड़े आ उहनां नूं आपां होर काम करन दईए, तां कोई गल नहीं जे असीं इहदा है ना। फिर मैं उहनां नूं इह गल कही भी तुसीं कोई नहीं इस पेशेंट नूं इत्थे छड्ड जाओ, तो मरीज़ ठीक ठाक आ, इहदा कोई असीं खर्चा नहीं लै रहे, ना कोई किसी टैसट का खर्चा, किसी जाँच का, किसी दवाई का, किसी भी ऑपरेशन का, इतने रहने का, सो यह बिल्कुल घर तो आने को लैके घर जाने तक का अभी सारा यदा मुफ्त इलाज करना चाहते हैं और उही कर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। सुल्तानपुर लोधी दे मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल अमनप्रीत विच इक आर्थिक तौर ते गरीब औरत दा बिल्कुल फ्री ऑपरेशन करके उसनू एक नवी जिंदगी दित्ती गई है। हस्पताल दे एमडी डॉक्टर अमरप्रीत सिंह ने दस्या कि उन्हां दे कोल शहर दे कुछ मौतबार व्यक्ति आया ते कहा कि इस औरत दे घर दी माली हालत ठीक नहीं है अते डॉक्टरां ने इसनू अपनी जान बचाउण लई जल्दी ऑपरेशन करवाउण लई कहा है। उक्त व्यक्तियों ने कहा कि असीं कुछ संस्थावां नूं भी अपील की है, वह भी इस औरत की मदद कर देंगे। डॉक्टर अमनप्रीत सिंह ने दसिया कि मैं उन्होंने व्यक्तियों नूं कहा कि संस्थावां वाले किसी होर गरीब की मदद कर देंगे, पर इस औरत नूं तुसीं मेरे कोल छड्ड दिओ, मैं इस दे ऑपरेशन तो लैके सारे टैसटा अते दवाइयां तक का सारा खर्चा करांगा अते परिवार तो एक रुपया तक नहीं लिया जाएगा। इस मौके औरत दे पिता ने दसिया कि उसकी लड़की की हालत हुण खतरे तो बाहर है अते उसने डॉक्टर अमनप्रीत अते उन्हां दे पूरे स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद किया। सुल्तानपुर लोधी तो रिकेश कुमार की रिपोर्ट, A7 पंजाब। जी अपनी मार आ साडी लड़की बहुत अपने दे अपने सीगी अंदर प्रॉब्लम जी, उहदे नाल बहुत तकलीफ सीगी, मरण के किनारे पहुंची हुई सीगी। उस वक्त डॉक्टर साहब के कोल आई आ, उन्होंने मुलाकात की आ, तो मतलब कि जे ना डॉक्टर साहब को पहुँच गई तो हो सकता भी ये खत्म हो जाती। ये सानू यह भी पता लगा कि डॉक्टर साहब बहुत वधिया वा, इन्होंने गलबात डॉक्टर साहब ने की, तो उन्होंने कहा भी तेरा जे तू अपने गरीब बन जा किदान को पावर नहीं खर्चे की तो असं तेरा खर्चा कोई नहीं लवेंगे, तेरा इलाज मुफ्त करा। जाके फिर मेरे को की, मैं क्या जो यहोजा अपन वधिया अपने डॉक्टर साहब मिल जाने तो होर आप लैना भी की आ। चलो जिदन के असं आए हैं कोई एक टका नहीं लगा, पैसा नहीं लगा कोई, तो साडा मतलब बड़ी ढंग ना उन्होंने इलाज किया वा, प्रैशन हो चुका वा, तो सुख शांति है सानू भी आ, तो बाकी जिन्होंने अं दसते उन्होंने भी आ। इस करके हम कुड़ी बिल्कुल अपने ठीक आ, तो असं इन्हों का बहुत धन्यवाद करते हैं कि जेडे गरीबों का इलाज करते हैं, जिन्होंने मरदान बचाते हैं, तो असं इस तुंत अगे हो कह नहीं सकते, जिदा जिदा सूँ फायदा होया असं अपने फायदे दसते हैं। तो बाकी हूँ मतलब ना कि यही कह सकते, बहुत वधिया डॉक्टर वा, वधिया ढंग इलाज करते, पैसा कोई नहीं लिया इन्होंने, तो असं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब अपने बंदा जोड़ा बहुत परेशान मरण के किनारे पहुँचा हो जान बचा सकते हैं। हॉस्पिटल दे विच साडे कोल आम तौर पर सारे तरह के पेशेंट्स आउंदे आ, क्योंकि मल्टी स्पैशलिटी हॉस्पिटल सुल्तानपुर लोधी च हैगा, सो हर पेशेंट का जिहड़ा बीमारी का पद्धर आ जां उहदा पे करन दी कपैसिटी आ वह अलग अलग आ। सो जिवें पिछले 7-8 साल तो असीं इत्थे एरिया च दे रहे सर्विसेज, तो गरीब तरह के लोग भी है, क्योंकि एरिया थोड़ा जिहा मेन शहर तो पछड़िया होण करके
सो बड़े पेशेंट्स आ जिहड़े बेचारे सारी उम्र अपना इलाज ही नहीं करा पाते, इलाज कराउण दे समर्थ नहीं होंदे, तो बेचारे उस बीमारी नाल ही लड़दे, कई बार दुनिया तो भी चले जाते। सो यह जिहड़ा साडे कोल हुण एक मरीज सी, इहदा नाम सुरजीत कौर है, जिहदी उम्र 46 साल, ये पत्नी बलदेव सिंह इत्थे सुल्तानपुर लोधी चों एक तेलियां महला उत्थों दे रहण वाले है। ये काफ़ी सालों तो इन्हों जिमें बच्चेदानी जी इन शरीर का एक अंग है वो अपनी जगह तो हट के हिलके तो पूरी तरह बाहर आ चुके से शरीर के रास्ते राही, तो उदा करके उदे ते जख्म ते उदे ते गलत बीमारी जिहड़ी सी उन्हें अपना एक रूप लै लिया सी। ते ये काफ़ी सालों तो काफ़ी हस्पतालां च जिमें जाते रहे तो इनू सही समय से डॉक्टर सही राय देंदे रहे भी तू अपना ओपरेशन करवा ला, जे तू इनू डिले करेगी तो कल नू कोई गलत बीमारी इतों शुरू हो सकती है, पर क्योंकि वह फाइनैशियली इन्नी स्ट्रोंोंग नहीं सी, इन्नी उदा मतलब पे करन दी कपैसिटी नहीं सी जिहड़ा वो इलाज करा सके, इतों तक कि वह सरकारी हस्पताल दे विच जा के सरकारी हस्पताल, चलो सरकार बहुत सहूलत दे रही है, सो कुछ फिर भी कुछ चीज़ों के टैसट आ जिहड़े आसे पासे तो करवाने पैंदे जिहड़े उन्हां कंसर्नड हॉस्पिटल्स दे विच नहीं हुंदे, ये बेचारी वह भी करवाउण दे योग नहीं सी। सो कहण दा मतलब भी जिवें हुंदा ना कि जी मैं बिल्कुल अपना हर रोज़ का जिहड़ा रोजी रोटी आ उ मसीह की चल रही थी, तो फिर ये तो कुछ मोहतबर बंदे लैके आए हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, यदा ओपरेशन आ तुम देख लो, इनू किसी संस्था को असं कह दें कोई संस्था वालों करा दें या कोई होर, तो फिर मैं लगे भी संस्था वाले जोड़े आप होर काम कर दईए तो कोई गल नहीं जे असी है ना, फिर मैं उन्होंने ये गल कही भी तुम कोई नहीं इस पेशेंट इतने छड़ जाओ, असी जो टैसट बनते हैं जो यदा इलाज बनता है सारिया रिपोर्ट्स तो बाद करांगे, तो फिर ये टैसट करके देखिया भी इनू वाकया ही ऑपरेशन की लोड़ है, ऑपरेशन भी ये मेजर सर्जरी की लोड़ है क्योंकि ये गलत बीमारी स्टार्ट हुई हुई, तो वो फिर असी इतने 2.5-3 घंटे चलिया ऑपरेशन अज तो 3 दिन पहलों, जबकि मरीज साढ़े को 21 तरीक में दाखिल होया, अज 28 तरीक आ, तो 4-5 दिन पहला इनू प्री ऑपरेटिव असैसमेंट और ऑप्टीमाइज करद लगे, तो फिर हम ऑपरेशन किया तो मरीज ठीक ठाक आ, इहदा कोई असी खर्चा नहीं लै रहे, ना कोई किसी टैसट का खर्चा, किसी जाँच का, किसी दवाई का, किसी भी ऑपरेशन का, इत्थे रहण का, सो इहदा बिल्कुल घर तो आउण तो लैके घर जाण तक का असी सारा इहदा मुफ्त इलाज करना चाहुंदे आ और उही कर रहे हैं। जिस तरह इहनू नाल कुछ कैंसर की डाउट शुरू हो गई थी, उहदी पहली स्टेज स्टार्ट हो गई सी, आम तौर पर इदा के ऑपरेशन जिहड़े आ इह 1-1.25 लाख रुपया हॉस्पिटल का पैकेज आम तौर पर होंदा इदा के पेशेंट का, जिहदे च टैसट उहदे ऑपरेशन बेहोशी दवाइयां सब चीज़ां मिला। जिहड़े पेशेंट्स इस तरह के होंदे आ जिहड़े वाकया ही जेन्युइनली पुअर आ, देखो प्राइवेट हॉस्पिटल आ, साढ़े अपने खर्चे आ, साडियां स्टाफ दियां जिवें उन्हां दे एक्सपेंडिचर्स आ होर आ, किसी भी बिग ऑर्गेनाइजेशन नूं जदों तुसीं रन करदे हो उन्हां दियां रनिंग कॉस्टां आ, वह भी साडियां मजबूरियां बन जांदियां, पर जिहड़ा पेशेंट सानूं वाकया लगदा जेन्युइन पुअर आ, जिहदी कोई देखभाल नहीं कर सकता जां जिहड़ा अपना इलाज कराउण तों समर्थ आ, असीं हमेशा ही कहिंदे आ वख-वख ऑर्गेनाइजेशन नूं भी कहिंदे आ, तुहानूं भी अपने तौर तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारे प्रेस भाईचारे नूं भी जदों भी कोई तुहानूं इस तरह का कोई पेशेंट लगता जिहड़ा इत्थे इलाज असीं कर सकदे आ पर वो इलाज पैसे करके नहीं करा रहा, उन्होंने जदों मर्जी लैके आओ, मैं 100% वह सारा कुछ अपने वालों करूँगा।